हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया, तो आज मैं जिस चीज़ के बारे में आप लोगों को डिटेल में दिखाने जा रहा हूँ वो है एक्चुअली गार्डियन गियर्स का राइनो का टैंक टेल बैग है। ये एक्चुअली 70 लीटर का है और आपका 18 लीटर का टैंक बैग, ये भी गार्डियन गियर्स का है। तो मैं किस लिए ये दोनों सेटअप यूज़ कर रहा हूँ और इसका क्या यूटिलिटी है, क्या फ़ायदा है, और तो मैं सब कुछ आप लोगों को डिटेल में शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं वीडियो ऐसे बैग खरीद के लेके आके फिर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं इसको प्रॉपरली यूज़ किया है एक राइड के लिए और इसको तो मैं सालों से यूज़ कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने मेरा पिछला वाला वीडियोज़ भी देखे हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, एक एक करके मैं आप लोगों को डिटेल में शेयर करता हूँ सब कुछ, तो आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना वीडियो एंड लेट्स स्टार्ट। तो मैं पहला चीज़ जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो है एक्चुअली टैंक बैग, जो आप लोग पूछ सकते हो उसको 18 लीटर शार्क गार्डियन गियर्स का टैंक बैग, जैसे आप लोगों ने देख सकते हो ये एक्चुअली मिनी टैंक बैग है, इसी को मैं यूज़ करता हूँ। सो फर्स्ट थिंग जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, देखिए इसका स्ट्रैप बहुत ही बढ़िया वाला स्ट्रैप देके रखे हैं ये लोग, सामने का दो और आगे का। एक्चुअली डोमिनियर पे आपको मेटल टैंक नहीं आता है, इसलिए इसका मेटल टैंक आपका मैग्नेटिक टैंक बैग भी वर्सन आता है, तो ये वाला मेटल टैंक नहीं आता है तो डोमिनियर का, इसलिए इसके स्ट्रैप के साथ आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया रहता है और यहाँ पे फिक्स रहता है, कहीं पे हिलता नहीं है। और मैं आपको मिनी वाला सजेस्ट करता हूँ क्योंकि देखिए आप, इसका इनफ स्पेस है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। और लार्ज वाला जो आता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, आई थिंक आप लोग देख सकते हो एक बार ट्राई करके, लेकिन मेरे को यही वाला सही लगा। मैं आप लोगों को अंदर का कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ, कितना बढ़िया स्पेस है इसके अंदर। सो गाइस एज यू कैन सी, यहाँ पे एक नेविगेटर के लिए आप लोग फ़ोन रख सकते हो, अगर बारिश के टाइम पे फ़ोन होल्डर नहीं है तो यहाँ पे रख सकते हो, या फिर फ़ोन होल्डर ना रहे तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और यहाँ से ईयरफोन वगैरह भी लगा सकते हो, जो रिकमेंडेड नहीं है एक्चुअली, यूज़ मत करना गाड़ी चलाते हुए। और यहाँ पे एक पॉकेट रखा हुआ है जहाँ पे आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ रख सकते हो, ईजी एक्सेस के लिए बढ़िया रहता है, मैं तो पर्सनली यूज़ करता हूँ। और ये रहेगा मेन कंपार्टमेंट, चेन का क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। और यहाँ पे आपका एक सेक्शन आ गया जहाँ पे आप फिर से अपना यूटिलिटी बना सकते हो, इसको थोड़ा इजी एक्सेस के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और अंदर का स्पेस देख लीजिए कितना बड़ा है, एक बार मैं दिखा देता हूँ, मतलब बहुत ही बढ़िया वाला स्पेस दे के रखा है, मैं तो DSLR वगैरह सब कुछ रख देता हूँ यहाँ पे, आसानी से आ जाता है। और इसके साथ आपको एक रेन कवर भी मिल जाता है, तो बारिश के सीज़न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉपरली इसको यूज़ कर सकते हो सेफली। और इसके साथ और एक स्ट्रैप आता है जो आप इधर टाई करके यूज़ कर सकते हो, स्ट्रैप को लेके ऐसे करके यूज़ कर सकते हो, तो इजी रहता है, मतलब कैरी करने के टाइम पे आप कुछ बैग वगैरह हाथ में पकड़ रहे हो और इसको टाई करके रख सकते हो। तो बढ़िया क्वालिटी का बना हुआ है ये वाला टैंक बैग, मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा ये वाला, और मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। प्राइस पड़ा इसका 1499 आई थिंक, मैं देख के चेक करके बता दूंगा। तो गाइस लेट्स गो टू द नेक्स्ट बैग जो मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश करता हूँ डिटेल में, आई होप करता हूँ आप लोगों को मेरा प्रोसेस अच्छा लग रहा है जिस तरीका से आई एम ट्राइंग टू शो यू। नेक्स्ट जो बैग है वो है गार्डियन गियर्स का ही 70 लीटर वाला राहिनो टेल बैग, एक्चुअली ये 50 लीटर्स का भी आता है इससे छोटा वाला, तो मैं बड़ा वाला लिया था। एक्चुअली मैं पिलियन के साथ राइड करता हूँ, तो पिलियन के साथ राइड करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। और मैं राइड किया था लास्ट जो 7 दिन का राइड किया था, 7-8 दिन का, तो हम लोगों का सामान वगैरह गैजेट्स वगैरह सब कुछ इसमें फिट हो गया था और कोई झंझट भी नहीं है। सैडल बैग जैसे दोनों साइड पे लगा रहता है तो वो ज़्यादा स्पेस लेता है, तो इसका उतना झंझट भी नहीं है। और इसका मैं एक एक करके यूटिलिटी आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को आसानी होगा देखने के लिए। तो गाइस लेट्स स्टार्ट दिस। सो फर्स्ट पॉइंट मैं दिखा देता हूँ सेफ्टी रीज़न के लिए, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर लगा हुआ है
तो रिफ्लेक्टर रात में रिफ्लेक्ट करता है, तो आप लोगों को मतलब पीछे से जो राइडर आएगा उसके लिए विजिबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाता है। राइडर या कोई गाड़ी वगैरह कुछ भी आएगा तो उसके लिए विजिबिलिटी बन जाता है। और क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, रगड़ है मतलब क्वालिटी। और इसका प्रोडक्शन भी देख सकते हो नीचे का, और साइड कंपार्टमेंट जैसे आप लोग देख सकते हो ये भी बहुत ही बढ़िया कंपार्टमेंट है। यहाँ पे एक रेन कवर भी दिया हुआ है तो आप लोग ये रेन के टाइम पे यूज़ कर सकते हो। ऐसे तो ये रेन रेजिस्टेंट है और रेन कवर लगा देने से आपको पूरा फुल प्रोटेक्शन हो जाता है। और कंपार्टमेंट इतना बड़ा है, यहाँ पे आप लोग एक जेरिकन भी कैरी कर सकते हो। एक्चुअली आप अगर साइट पे वेबसाइट पे देखोगे तो यहाँ पे जेरिकन का फोटोज़ भी डाला हुआ है। तो आप लोग लद्दाख राइड पे या किसी राइड पे जा रहे हो तो ऐसा कुछ जहाँ पे पेट्रोल का प्रॉब्लम है वहाँ पे जेरिकन यूज़ कर सकते हो। मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन कर लेना, इस साइड भी सेम वेट रखना तो फिर बैलेंस रहेगा बैग आपका। मैं कुछ फ़ोटोज़ शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ जो मैंने राइड पे यूज़ किया है, तो वो फुल पैक था। अभी तो मैं कुछ डमी सामान रखे हैं अंदर क्योंकि ये नहीं तो थोड़ा सिमट जाता है ना, इसलिए। तो इस साइड भी सेम कंपार्टमेंट है और स्ट्रैप वगैरह कुछ दिया हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक स्ट्रैप है, आप लोग ऐसे लगा सकते हो यहाँ पे, तो ऐसे करके आपका शोल्डर पे लेके आप लोग जा सकते हो। तो यहाँ पे दोनों पकड़ने का सामान देके रखा है तो आप लोग आराम से कैरी कर सकते हो। और दो एक्स्ट्रा स्ट्रैप देके रखे हैं ये लोग। आप लोग अगर कुछ ऊपर कुछ एक्स्ट्रा सामान हो गया तो आप लोग यहाँ पे टाई कर सकते हो, ऐसे करके दो एक्स्ट्रा स्ट्रैप दिया हुआ है। तो गाइस मैं अंदर का कंपार्टमेंट आप लोगों को दिखा देता हूँ उसके बाद। उससे पहले और एक चीज़ आप लोगों को इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो आई थिंक किसी ने कवर नहीं किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा कुशन टाइप बना हुआ है जो आप लोग अगर कोई पिलियन राइड कर रहा है या फिर आप खुद अकेले सिंगल राइड कर रहे हो तो यहाँ पे लगा देना बैग, और पिलियन के साथ साथ राइड कर रहे हो तो एक आपका टॉप रैक लगेगा उसके ऊपर लगा दे हुए, तो यहाँ पे बैक रेस्ट मिल जाता है, बहुत बढ़िया बैक रेस्ट मिल जाता है। तो एक पिलियन को थोड़ा रेस्ट मिलता है इसके वजह से। और यहाँ पे एक कंपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पे आप बहुत ही बढ़िया स्पेस है जहाँ पे आप कुछ सामान वगैरह रख सकते हो, इजी एक्सेस के लिए सही रहेगा। तो मैं आप लोगों को अंदर का कंपार्टमेंट दिखा देता हूँ। चेन क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। तो अंदर का स्पेस आप एक बार देखिए, अमेजिंग अमेजिंग। आप देखिए मतलब कितना बढ़िया स्पेस मेंटेन किया है। और दोनों साइड आप अपना सामान ठीक से रखना क्योंकि वेट डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है इसके लिए दोनों साइड पे। और बहुत ही बढ़िया। और अंदर एक कंपार्टमेंट भी बना हुआ है, यहाँ पे भी आप कुछ यूटिलाइज कर सकते हो अपना कुछ, अगर इजी एक्सेस रहेगा बैग खोल के इस आराम से निकालो और यूज़ करो। तो ये था मेरा फुल रिव्यू आपका टैंक बैग और टेल बैग का। सो गाइस होप करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा। एक्चुअली मैं ट्राई किया जो जो पॉइंट था पूरा कवर करने का, होपफुली आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट का ज़रूरत है मेरे को। और कमेंट डाउन बिलो कौन सा चीज़ मेरे को इम्प्रूव करना चाहिए और कौन सा चीज़ आप लोगों को अच्छा लगा। और मैं पूरा डिटेल वगैरह प्राइस वगैरह और आपका जो भी लिंक है तो मैं डाल दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो यू कैन बाई फ्रॉम देयर। मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, ये आप लोगों के लिए है, तो मैं इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करते रहिए, स्टे ट्यून्ड गाइस विथ माय चैनल। एंड मिलते हैं आप लोगों से किसी बढ़िया वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, राइड सेफ एंड टेक केयर। Thank you.